चीन मराकश गपीशन तैता मनुष्य में मेहमानदार अलिया मदरे की शुमार वशाद बुशी अवान जुर बलोच आस है मंजूर साहब रमजान शरीफ है माशाल्लाह सहमी रोचम मजा लेता है जी जी और मौजूदा सूरत आला कोरोना एशियन के केस इंतहाई बाजिया बड़ा गए थे और नूना ईशान शन के मठाइस्तान तादाद ज्याद कर थी अच्छा। और सही में भी गप आए गए थे कि जी अम्मा सुमार्ट छे कराए गए थे लॉकडाउन करना गए थे स्मार्ट लॉकडाउन स्मार्ट लॉकडाउन हमारे उसी की जी आओ अमा एरिया है ताकि केस कायम देमा अमा एरिया खाली बंद करना नहीं ना नोकी मर्दुम था बैत ना कोने मर्दुम धन ना ब्रो लेकिन लेकिन सारी है कि लॉकडाउन बह गए थे शस्त्र रोचिन थे आ तो चु दरा न कह रहा स्मार्ट वाला तो उड़ा कह जान चाहिए ये कि फुल लॉकडाउन है ये आले ये आले तो स्मार्ट गुड़ा छूंग स्मार्ट बाज मुश्किल की बीत अच्छा दोन दोन का पेशेंट तली हमारे जी ये जाहिर शिमा सरपंद मर्दुम और हमारे के चारों को आम सरपंद मर्दुम फर्ज कर तो एक इलाका समाज नाम है कैसे लॉकडाउन करें तो आई मर्दुम जाहिर चीन का वक्त था मतलब जाहिर तो गुलाब मजन है एक प्रिजन भी जिसका ने कैद खाना भी या बुलाए या केरिया है बिल्कुल चीन के वक्त शुमा आ रहा कैसे प्रोटेक्ट करें और ची बावरी क्या रंदा कैसे या मर्दुम के ये समाज लॉकडाउन खत्म भी या रंदा रोती या दिगा मर्दुम का या आज दोबारा मुतासिर भी इलाज तो बिना सा लेकिन शीशी ये शिन्ना नहीं जम्मा ये जाहिर इंसान तो चल लॉकडाउन बाय कहता है शीशी हमें कि लॉकडाउन बाय गया माने मां के लॉकडाउन ना मस्त है ना वो शीश तमा इदारा के जाहिर इनकी यूनिफॉर्म वाला है ना यूनिफॉर्म में था क्या वन ड्यूटी है आ तो ये कहने गए थे नुजार कसे फैक्ट्री दुकाने बंद करने गए था कार डरना शटर जा तो आवाने बकायदा उती एक खर्चे फिक्स कर है इंतेशान भैया जान अजान का जी सर डोमिनेशन में चूंकि ट्रांसपोर्ट है ना बंद है एक शारा दो इशारा एक मर्द में एक असर हजार रुपये किराया नुशे चार हजार से हजार रुपये किराया के तो ये अमा के शे नाम लॉकडाउन अमा के यूनिफॉर्म है कि चे वाला मर्दुम हस्तंते चाहे या लेवी से भी या पुलिस से भी एफ सी ये दोनों सही नहीं है बहनते आ तो शीशे तपोता जार इन तमिशी फायदा जूरा गया पोता जर का मायना गया था बाकायदा लेकिन गवर्नमेंट टेशन में खाला चू गिंदा गाने या वत आ रहा फ्री हैंड आता है कि माँ लॉकडाउन करने तो शाश करती शुरू हुआ कि ये मसला बूता अवल तो एशियन के इदा कहते ये शुरू बूता दिसंबर 2019 और चाइना के मुतासिर बूता आई रंदा कहते मिड मार्च अन इदा ये एहसास वदी न बूता कि लॉकडाउन कनगी न कनगी है आई रंद एक डिस्कशन पच बूता कि कैसे लॉकडाउन कनगी है और उदा हम दो वर्जनत का एक मतलब गवर्नमेंट थानिया बलोच अस्तिन तक जर्नलिस्ट या गुमा लेने शलस्मिला अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम आवाज मेरा आवाज हेलो अस्सलाम वालेकुम हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम बोली प्र वशाद गुशे मरोचे मरागज गपेशन तैता तो ये आला भी देखे लसबेला था और दुबी इलाका के गवर्नमेंट एक 20 नुकाती लॉकडाउन है वाले इसरा एक चेर जारी करा इन एक जार जता कि आए तो छूं गिंदा कहता हूँ हमारा 20 नुकात इसरा अमल दरामद हुआ गई है नहीं माँ तो सारी माजरत होती पर से कि मनी बाजी गप जो अच्छे लसबेला हवाले से मना समाने के पीछे जो दोस्त बही न बही और जाम साहब दोस्त बही न बही मगर नुकात वती जा गए शुमा चार गए कि लस्तेला अंचे जा गए कि इधर जो हस्ते में हिंदू बिरादरी एक मजने तादाद हम गए हैं ना और एक चीज शुमा पिचारे कि इधर से राशन जो हस्ते हैं पूरे बलूचिस्तान तो कराओते ना आके आठ बिबईदान बिबईया मजने बेवपारी दा निश्चदा मनी ख्याल अगर शुमा ब्याए और आओ विजिट सिकने और तो पिचारे कि छे सूरत हाल है तो शुमा मतलब हैरान भय के ये लॉकडाउन और सज्जन के मजने का पिछे कि ये वक्त है कि जब जाम साहब रह गए दुनिया है तो का गर्द गए आप जाफराबाद तक रह गए वती आ जाके पर्चा ले आए गए वती होम टाउन में पर्चा ले आए गए आउट ऑफ विच पर्चा कनगन है या तो जाम साहब बाहर ज्यादा 100% श्योर रखते हैं
के अमा गद्दी नशीनी मनी कायम भई मन हिच फर्क न कपी मनी वोट बैंक का हिच फर्क न कपी के अगर मा उदा बुरो ही बिचारी है ना पहला गप दुईनी गप इसे राशन हवाले छे और इमदाद हवाले छे गजानी और हब एरिया और अम्मा के तो के एरिया या टाइल नजदीका आ इक्का मुतासिर रस्ता कि मर्दों मतलब वतीला पे फिक्र पिकना आए आए ये 20 नुकात तक बेचारा तो मनी अगर माँ बेचारी 20 नुकात तो लॉकडाउन तो आई तो का जो अस्ते जाम साहब गवर्नमेंट जो अस्ते आ वती इलाका वती होम टाउन में तो का कारकर्दगी जीरो अस्ते। अच्छा गोदी है आप चौकी चौके जाहिर इनका मैं सूबे और बॉर्डर से कराची में जो नजदीक इशारे एक सनती इशारे आज शाम है उसके तक के तरावी आने वक्त बाद रश कश में गए तो आज बीस में कहती है झंडा के उलमा करा में मुझ कुराई एग्री करता थी तो आर वो था जाहिर इन तमो दवा तारा छू गिंदा कहता है वक्त जाम साहब गिस है ताकि हमारा नुकात की जारी है भाई सरकार जा रहे जन आवाने सरा सही हमारे दरामद ना बीते तो दोमी जागा तो छे उसे बूत कर न कंते देखे मुल्ले मामले तो का बलूचिस्तान सारी बात खुद मुख्तार बुदा मैं मना ये फील बुदा कि मुल्ले भी माँ वती या मैं वती मर्दों माँ मगर अनु जामसा वत माशाल्लाह बारिश मर्दों में गुशत न लोटी मगर नू माँ जो अस्ता बेबस अस्ता तो मैं चाह रहे गए हफ्ते तो का बाजी अंची मदरसा अस्ता के आ इम्पोर्ट बूतगा दिगे जा गया चे आ हब वाला नबूतगा और मकामी अमा मलब इस्तेमाल करना ना आ नया तो मनी ख्याल ऐसा रिस्ट्रिक्ट करना ऐसा ना इवन इसी लावा बाजी अंचिव केस में दे मातगा माज एज ए जर्नलिस्ट पूछा कि मैं हिच लिख कुछ न करना पर्चा बाज दोरा वाले मर्दों मा तो मनी ख्याल जाम साबी भी ऐसा नहीं दे मा हिच आने से मजने मसला ऐसे हैं कि आ लॉकडाउन है पाबंदी आ ये दुरा चीज वती जागा मगर अमा इलाका नहीं तो कहा कि शुमा मजने मजने शुमे मल्टी नेशनल कंपनी अस्ता बाय दे शुमा शाना पाबंद पिकने शाना मा सॉरी मनी अल्फाज का मिशर ने शाना डंडा बिजने और बुगुशे के ब्याय दे मा कम अक कम मर्दुमा ने चीजें कुमक पिकने शाना चीजें राशन बिदे चर मा जर्नलिस्ट अस्ता सोशल वर्कर नया अच्छा बानो जब तो दिगम ये कहते के हुकूमत तन चुके मुख्तलिफ दफा जता तन चुके दफा 144 के बगैर मास्क का कस न रहते डबल सवारी या पाबंदी या मुख्तलिफ तो एक हुकूमती रिट पर्चे अमल दरामद न हुआगा आया रिट कमजोर है या इस तरह अमल दरामद करने की कैसे हुकूमत नीयत ने अच्छे नीयत तो अमोदा वही के अमा जागेश में विल भाई ना पहला गप पीछे रूलमी गप में तुम्हारे सज्जन के अच्छे मतलब बाज अजीब है गप पे कि शुमा वत खुश तनी कि शुमा मजबूर पुरते ना कने या कि जाग के सीढ़िया चिकपता आप बीमार या नादुरा है जने ने आई तबियत सही ने तो मैं समझे कि गुलाम कादिर हॉस्पिटल हब चौकिया जो मनी पीरू के नाम है तरह हस्ते मनी मतलब जाम साबे आई तो का सहूलत हस्ता भाई से मर्दों मजबूर में आकाया कराचिया ऐसा ना डबल सवारी तो कभी निंदगी है ऐसा ना रक्षा है तो कभी निंदगी है पर चश वो वती होम टाउन ना आज आ गया सहूलत नदा था मैं ये इसी तो का कोई आग अपने से ही कि एक मजने वबाएं और दुनिया इसका फेस करना चाहे मगर ये वबा ये अच्छा बानुक शुमा ये बोलो कि आयो के वक्त की कि गुशा गए कि आयो के दो हफ्ता ज्यादा खतरनाक ही शुमा चून चार गए कि वाकई बस क्रिटिकल सिचुएशन ही या ना जाहिर है ऑफकोर्स क्रिटिकल सिचुएशन अस्ते तो कम दुनी कर से गप्पी कुर्स ना का और अगर माँ ये बुगुशन की क्रिटिकल नेस्ते तो माँ निश्चित का कोई मनी पहला अहमकानी जन्नते तो का और अल्लाह मका के हमें के डॉक्टर बार बार गुश गया शॉक्टर बलूचिस्तान कोई जाया यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने बाजे जो हस्ते हैं यंग डॉक्टर्स इशनी तो का भी नू पॉजिटिव आता और दुनी मजने ये गप पे मजाम साबे को मैं भी गप जता और इधर शुमे अगर शुमा मना इजाजत दे तो ये पीटीवी हवा इधर भी मन इंडी है गप करनी चाहिए गप कर जन बाज जरूरी है मैं आवारा ने डॉक्टर मैं बाजी सीनियर डॉक्टर आ कराचिया दिगे शाहरा निश्तगा आ तनख्वाह जूर गया और आ कैसे चार्टर साले छुट्टियां नहीं कराया लाजमी है कि इशाना पदा प्यारा कि ठीक है बाज मुश्किल टाइम में मगर मर्दुमाना अवेयरनेस चुमा छू दे मैंने ये समझ में आए थे राशन दे जरूरी है बाज जरूरी है वरना मच्छे पिकनी माँ अगर गुजना मेरा गाँव मौसी में कोरोना है चुपे मेरी
ए एक यक चाहेलाना सोचने से ये सोच यस्ते कि शुमाती कौम वती मुल्क वती मर्दुमाना दाता चे तो मसला ऐसे कि जाम साहब अगर बेचारी ना तो बेसिक फैसिलिटीज देला या नहीं थे और ए वक्ता लाजम है कि जाम साहब वती इलाके बैठे और आवदा बेचारी मैं वत हैरान हूँ अंग तक जाम साहब ये तकलीफ पता ना करता कि आप बैठे वती हूँ जाऊंगा। अच्छा बालुक शुमा मतलब एक बॉर्डर है सराय आदेमा सिंधी देमा बलुचिस्तान है अवन जो शुमा जाम साहबी कॉन्स्टिट्यूएंसी गप्पम करना जाए तो शुमा के अस्ते बलूचिस्तान गवर्नेंस और जाम कमाल साहब के अच्छी के कारण ईशर चुन गिंदगा है और ने मगा के अस्ते सिंध हुकूमत और खासकर मुराद अली शाह किरदकार है चुन में शरा चुन कंपेयर करने या कंपेरिजन चुन करने बास फर्क के जाहिर है शुमा वच शुमा चार गए पर खुशी के मर्दों को खुशी आ या बाज मजने फर्क के आ जो शुमा चारे जाम साहब ट्यूटर है तो का नो डाउट कारकर्दगी जबरदस्त है जाम साहब वीडियो आई तो का कोई शक नहीं थे के आई जो हस्ते आई तो का जाम साहब मुराद अली शाह भी आई कॉपी कोर्स न का और आई जो हस्ते मुकाबला कोर्स न का मगर सारे दस्त में कारकर्दगी बिल्कुल सिफर है। जाम साहब खुशी ताफ्तान में हमारे पास कोई बिल्डिंग नहीं है कि हम लोगों को रख सकें ताफ्तान अन्नू वो न बने था ना ताफ्तान नाश में गवर्नमेंट अन्नू बने था शुमा ये बॉर्डर एरिया च बिगर ता कि चागी तक शुमा हेच कार न करता अनु हमें मैं जाम साहब सारिया भी एक सवाल मको बिचर बलूचिस्तान खूबसूरत है बलूचिस्तान के रास्ते ये अल्लाह दाता शुमा ची शुमे कारकर्दगी थी तो बहरहाल ये सूरत बलूचिस्तान हमें वजह से ज्यादा खतरनाक कूट का के मैं किरा सहूलत बिगेस्ट बैच बात समय और दुईमी का पिछे मैं किरा जरिए मुआश भी नहीं बस बस मेहरबानी थी गोदी था गोम हमारा दरा इकते। अच्छा मंजूर साहब नू ये तो रिश्ता गोदी भी बॉर्डर है सरा आप चौकी या रिश्ता ठीक है ना नू सिंधिया आ तो बस बुरश भरा कहता है और हमें जिंदे के सूबे हैं तारा जाल आ रहे कहता है और खास करके जाम साहब जिंदे कॉन्स्टेंसिन आई ये वाला माई ये मचे खर्ची के बैग कहता है तो ये आओ के वक्त है कि नू रोज परोज बड़ा कहता है ना तचे अमा की एक सर्वे बूता थे कि इनका परसेंट द मुतासिर अभी थे आ तो मैं रास साबित भाई के आ तो वती जगह मना एक लतीफा बल हकीकत है जी ये गस्ते जो रोचा मतलब सिंध हुकूमत ने नेमगा डॉक्टर्स कहते हैं ये वाला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को था कि भाई ये एक सीरियस से प्रॉब्लम है और अमा ज्यादा उधर तो ज्यादा पेश 12 बजे दुकान पचातन आगे जरूरी है तन कि मेडिसिन ग्रोसरी वगैरह तो आ कैसे 5 बजे करता जी तो आई रंदा कैसे ईशानी कैसे एक मिनिस्टर है शहबाज गिल्ली छी नाम है आई पंजाब है आप प्रेस कॉन्फ्रेंस को और गुश्ता के भाई सिंध हुकूमत कैसे इमरान खान हुकूमत बदनाम करने गए रंदा द्वारा पंजाबी डॉक्टर कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करता कि भाई संजीदा मामला है शराशुमा कैसे संजीदा बुजुर्ग के अस्ते बजाय कोरोना मामला इदा के अस्ते नू सियासत हुआ गए और डॉक्टर कादिर अरुण साहब चुके आई कोविड 19 के अस्ते पॉजिटिव आता गोमा बदारी का ना कहते हैं बुश की नचे अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जनाब। डॉक्टर साहब आपको हम पहले तो आपकी हम तबीयत पूछना चाहेंगे कि अल्लाह ताला ने आपको सेहत की तरफ बेहतरी लाई जा रही है और इस रमजान उल मुबारक के बाबरकत महीने में दुआएं भी है कि आपको अल्लाह ताला जल्द सेहत याब करे तो क्या आप कोरोना वायरस के जो आपके जो पॉजिटिव केस आया था आपका तो आपने क्या तरीके कार इख्तियार की कि अब आप जो है इम्प्रूवमेंट और बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? जी हाँ सबसे पहले तो आपका शुक्रिया के आपने याद फरमाया जी और मैं पीटी का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आपके ही जरिए लोगों में ये अवेयरनेस फैलेगा जी। बात यह है कि हमने हमारी आवाम ने इसको बहुत लाइटली लिया हुआ है लेकिन ये जितने भी लोग हैं मेरी सब दोस्तों से सब लोगों से आवाम से ये इल्तमास है कि इसको सीरियस लें इसको सबसे पहले ये कि आप जो सोशल कॉन्टैक्ट्स हैं उन पे जरा वो करें फोकस करें सोशल कॉन्टैक्ट से दूर रहें और लॉकडाउन गवर्नमेंट का एक अच्छा फैसला है लॉकडाउन जो है वो होना चाहिए इस वजह से कि इसमें कम से कम लोग जितनी हमारे यहाँ क्योंकि वो लोगों में अवेयरनेस नहीं है वो बाजारों में इस तरह और अच्छा डॉक्टर साहब ये जो लॉकडाउन तो बिल्कुल अच्छा कदम है इससे जाहिर है
ये पहलतानी है, लेकिन क्या आप देख रहे हो कि जो लॉकडाउन की कॉल दी गई है या लॉकडाउन हो रहा है, लेकिन छैल पहल तो पूरे सूबे में है, खासकर कोयटा में भी है, तो अगर इसी वजह से तो लॉकडाउन की नाकामी की वजह से जो है केसेस दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, तो आप लॉकडाउन को क्या देखते हैं कि इसी तरह का लॉकडाउन हो या इससे थोड़ा सख्त हो या नरम हो, क्या लॉकडाउन हो सर? सर सख्त होना चाहिए, क्योंकि अब जैसे मौसम गर्म मौसम भी आ रहा है, तो इसमें सुना यह है कि हीट से जो है, क्योंकि उसके ऊपर एक जो लिपिड की एक शीट होती है उस वायरस के ऊपर, तो वो गल के हो जाती है, लेकिन अभी तक वो ऑथेंटिक तो नहीं है, लेकिन लॉकडाउन से को जितना सख्त करेंगे उतना वो बेहतर रहेगा, और लोग जितना अपने घरों में रहेंगे और जितना सफाई और सुथराई के साथ रहेंगे, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर लें, मास्क का इस्तेमाल कर लें, तो इंशाल्लाह ताला ये इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये कि अवेयरनेस जब तक नहीं है लोगों में, तो इस चीज को हम चाहे कितना भी करना चाहें तो वो मुमकिन नहीं हो सकता। अच्छा डॉक्टर साहब, अब इस तरफ आते हैं, ये जो आपको जो पॉजिटिव हुआ आपका केस, इसके क्या असबाब थे, क्यों कर हुआ ये? सर सबसे पहले तो ये कि मैं डिस्ट्रिक्ट सिब्बी का फोकल पर्सन भी और जो रैपिड रिस्पांस टीम है उसका मैं लीडर लीड भी कर रहा हूँ सिब्बी में, तो एज डिप्टी टीएचओ मेरी पोस्टिंग वहां पे, और जितने भी केसेस आ रहे थे कोरोना के और जो बाहर से लोग आ रहे थे, जो हमें सस्पेक्ट मिल रहे थे उनको हम डायरेक्ट चेक करने जाते थे, तो वो शुरू में हमारे पास जो थोड़ा बहुत सामान था, जो पीपीई किट्स वगैरह थी, वो हमने यूज की थी, हम प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स अपने तौर पे पूरी कर रहे थे, गवर्नमेंट ने, इंतजामिया ने और हेल्थ डिपार्टमेंट ने हमारा बहुत साथ दिया, हमें किट्स भी प्रोवाइड करते रहे वक्तन फवक्तन, लेकिन इंसान है, कहीं ना कहीं गलती हो जाती है, हम भी हमसे कहीं वायरस स्ट्रांग होगा वहां से मुझे लगा है, तो ये जितने भी हमारे वर्कर हैं फ्रंटलाइन पे काम कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, उनको हर वक्त खतरा तो रहता है सर। तो डॉक्टर साहब एक तो हमें ये बताएं, जो आपके पेशेंट्स थे उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी, और उसके बाद जो सूरत हाल आपको दरपेश हुई, तो आपने इम्प्रूवमेंट की बेहतरी के लिए क्या इकदाम किए, ताकि कुछ हमारे नाजरीन को पता चले कि खुदा नखास्ता इस सूरत हाल होती है तो वो क्या करें? जी हाँ, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अपना हुकूमत बलूचिस्तान का, जिन्होंने इंतजामिया को उन्होंने जो है एक मुनासिब रकम फराहम की, जिससे वो पीपी किट्स वगैरह उन्होंने अब बहुत ज्यादा तादाद में उन्होंने ले ली है, और इसके अलावा उन्होंने भी डिस्ट्रीब्यूट की है, पहले तो हमारे पास बहुत महदूद तादाद थी, लेकिन एक चीज की कमी हमारे पास है, जब तक ये जो वीटीएम होता है, जिस जो टेस्ट जिसे हम करते हैं, ये हमारे तमाम अजला में बहुत कम है। मैं आपके तवज्जो से हुकूमत बलूचिस्तान से गुजारिश करना चाहूंगा कि जितने वीटीएम ज्यादा आएंगे, जितने टेस्ट ज्यादा होंगे, तो उतना बेहतर हो जाएगा और लोगों में अवेयरनेस आ जाएगी। अब ये जितने भी यहाँ पे मतलब उन्होंने हमें प्रोवाइड किए थे, हम वो सारे यूटिलाइज भी कर रहे हैं, और लोगों की आमदोरफ्त को रोकना चाहिए, जिस तरह फ्रीक्वेंटली वो एक दूसरे एक शहर से दूसरे शहर और एक सूबे से दूसरे सूबे में आ रहे हैं, तो उनको वहां पे क्वारंटाइन किया जाए, और पहले वो क्वारंटाइन हो, उनके टेस्ट वगैरह हो, उसके बाद वो शहरों में छोड़ा जाए। तो डॉक्टर साहब दुआगो हैं कि अल्लाह आपके सेहत को बेहतर करे, इम्प्रूवमेंट लाए आपकी सेहत और बेहतरी में। तो अभी आप कैसे महसूस कर रहे हैं इस वक्त? सर थोड़ी बहुत तकलीफ तो है मुझे, अभी खांसी नजला जुकाम बुखार वगैरह वो, और थोड़ी बहुत सांस में तकलीफ है, लेकिन अल्लाह करेगा इंशाल्लाह विटामिन सी और बाकी चीजें जो उसके साथ यूज करनी चाहिए, स्टीम लेना चाहिए और कुव्वत मुदाक्कत को बढ़ाना चाहिए, और जिसमें विटामिन सी का इस्तेमाल है, नींबू का इस्तेमाल है, और माल्टे या संतरे का जो इस्तेमाल है, और गर्म पानी का इस्तेमाल है, ये करना चाहिए, तो इससे इंशाल्लाह तआला अल्लाह ने चाहा तो मैं भी रिकवर हो जाऊंगा, और हमारे जितने भी और भी बहुत से जो मरीज हैं वो भी इंशाल्लाह रिकवर हो जाएंगे। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि बाज जगहों पर ऐसे केसेस सामने आते हैं, लोग छुपाने की कोशिश करते हैं, ऐसा क्यों है, और आप उनको क्या मतलब पैगाम देना चाहेंगे, ताकि ये जो हमें खौफ है बदनामी का या डर है और जिसकी वजह से मसाइल पैदा होते हैं, इस हवाले से आप हमारे नाजरीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? सर मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि अगर किसी आदमी का कोई केस टेस्ट पॉजिटिव आता है और किसी ऐसे शख्स को इल्म हो कि मेरी उससे मुलाकात हुई है, तो वो खुद वॉलंटियरली अपना टेस्ट करवाने के लिए आ गया है,
जितना वो छुपाएगा और तो उससे और ज्यादा लगने के चांस होंगे। जैसे ही मुझे हुआ तो मैंने पूरी अपनी फैमिली का टेस्ट वो भी मैंने करवाने के लिए भिजवा दिया है और दोस्तों से मैंने रिक्वेस्ट की है कि जिन जिन दोस्तों की मुझसे मुलाकात हुई है कि वो भी अपनी अपना टेस्ट करवाएं, इसमें कोई कबाहत नहीं। आप यकीन करें कि वैसे तो हम दुनिया में पता नहीं कितने गुनाहों के काम करते हैं, लेकिन कल से सोशल मीडिया पे और फोन पे और जितनी दुआएं मुझे मिल रही हैं, बाहर के ममालिक में जितने दोस्त हैं, जितनी दुआएं मैं दे रहे हैं इस बाबरकत महीने में, डॉक्टर साहब हम दुआ करेंगे कि अल्लाह आपको सेहत अता करे, आप तंदुरुस्त हों, आप दोबारा बज़्म और मजलिस की रौनक बने। और हमने आपका वक्त लिया, कीमती वक्त, आपने बहुत अच्छी बातें की, मशवरे दिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब गप्पा तो शुक्र जी हो, तो एक ज़ाहिर डिफिकल्ट मरला का वक्त कैसे और खुदा न कहते कि बास तकलीफ दें अंजो के पेश हम आज ही जलाल चक दे क्या आइए बहुत खुश है कि इनका तकलीफ दें। लेकिन एम डॉक्टर साहब हम खुश है कि हमें मखलूक तनेंगी इसे लाइटली आई वजह से मन ही समझी मखलूक के कदर कसूर है। असल तई का पेश है कि तई कम्युनिटी लीडर्स हस्ता अब खुश हम शिकला है सुफेद रीश हैं, तई मीर हैं, मोहतबर हैं, टक्करी हैं, तई टीचर हैं, तई पेशमा में अच्छी कहते ये ईशानी कार हैं कि वती कहते टीच कहते अंचो के तो चारे तबलीग सूरत के मस्जिद निंदा फजाइल अमाल कहते वानक भी यार अंदा वगे लोग रवा आयरा गुशा कहते शुवा शर्रकार भी कहा। तो ये वाला हम कम्युनिटी लीडरानी कार हमेशन कि अमीर लोग रवा और जग जागे खुदा न खास्ता अगर ये बड़े मसला भी आयरा हौसले देख भी कि भाई तो इशारा छे मका वतारा जाहिर भी कहा था कि दिगरा ने पर्चे एक मर्दुम अगर पॉजिटिव भी तो अगर आ कैसे जाहिर न कहते तो इस मतलब आई फैमिली है नुकसान भी है चुकाना भी है दुरा फैमिली मुतासिर भी इलाका मुतासिर ना नून चोके ते नाम आंगिते में के मुख्तलिफ माशरे था कि हमारा एक नाम चीज़ें दारन थे ना नु ये खास कर ये दौर है तो चूँकि सोशल मीडिया है दौरें तो व्हाट्सअप हो या फेसबुक का दौरें तो हर अमा के मर्दों में क्या ही माशरे थे किर दिया सर आ गौती एक आवाज़ जरा उती एक मैसेज जरा ब्यूटी लोकल जुबान है था छे कन तमा जाहिर थार इलाके में ग्रुप्स वगैरह जोड़न थे ना सोशल मीडिया है ना अगवान था देने शीशी में खैर बाद मजा ने चेंज है के तब्दीली के लेकिन मैं गिंदा का ना नहीं चीजा ना देखो ये चीजा गिंदा का ना कि बाय दे ना ये चीजा अब हम करा इंतजार अगर कम्युनिटी लीडर्स जिम्मेदारी जुरा बाज तरीका आस्ते फर्ज का तो ये इलाका रवे अगर मन आयरा गुशा आमनी ईता न मनना जी लेकिन आ जा गए अगर पेश इमाम या मौलाना साहब गुशी दुरा आई मनना मनन थे अच्छा डोमिनेशन तई टीचर आई एम कहते गप मननी या इलाका मीर मुतबर ई नहीं कि तो कहते एक जमगट्टा या मजलिस दो दो मर्दों एक एक मौलूगा भाई वो आयरा गुशक भी या फर्ज का अंचो के खुतबा भी लाउड स्पीकर आनी सरा फर्ज का पेश इमाम हिंदी एक खुतबा दम थे आठा इमाम मस्त मतलब जुमा और आयश गुशम थे कि भाई शुमा एहतियात भी कहा बस फर्क कपी मन ने ये समझे कि बस जा गए गुशक बुआ गए कि आवाम कसूर है मन ये ना समझी ये असल जिम्मेदारी कम्युनिटी लीडर जानी है लेकिन बदकिस्मती है कि ये टेमा कम्युनिटी लीडर वती किरदार अदा कर रहा है तो आवाम जाहिर है तो अगर ते पेशवा काया बिल्कुल ते टीचर मुझे से गुमा दिगा एक डॉक्टर रहीम खान जी बाबर साहब इनके तर्जुमान इनते बलूचिस्तान यंग डॉक्टर एसोसिएशन है जी गुमा ज्ञान करने अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सर। डॉक्टर साहब हम आपको खुश आमदीद कहते हैं अपने इस प्रोग्राम में कि कोरोना वायरस के हवाले से जाहिर है जो मेडिकल स्टाफ है चाहे जिसमें डॉक्टर हो या पैरामेडिक्स हो या दूसरे कैडर के लोगों वो फ्रंट लाइन में इस वायरस से लड़ रहे हैं क्या महसूस कर रहे हैं आप इतने दिनों से ये वायरस हमारे मुल्क में हमारे सूबे में बल्कि हमारे शहर में हमलावर हुआ है आप क्या देख रहे हो क्या महसूस कर रहे हो और हमारे जो फ्रंट लाइन के लोग हैं जिस तरह एडमिनिस्ट्रेशन के हैं और जिस तरह आप मेडिकल लाइन के हैं पैरामेडिक्स हैं या डॉक्टर्स हैं वो भी इससे मुतासर हुए क्या गवर्नमेंट ने वो इत्यादि तदाबीर अपने डॉक्टर मेडिकल लाइन पे और ब्यूरोक्रेसी में जिस तरह हमारे असिस्टेंट कमिश्नर और ए डी सी वगैरह को बहुत हुए हैं
तो क्या इसमें गैप्स क्या आ रहे हैं कि इनको ये वायरस जो है पॉजिटिव इनके आ रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। जैसा कि मौजूदा कोरोना वायरस के बाद से पैदा होने वाली जो क्राइसिस है जी, उसमें आप सब ने देखा, हमने रोजे अव्वल से यंग डॉक्टर्स ने फ्रंट लाइन का किरदार अदा करते हुए यहाँ पर हम अपने ड्यूटीज देते रहे। ड्यूटीज के बाद जब यहाँ पर सिविल अस्पताल और बाकी जितने भी क्वेटा के गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, जब यहाँ पर इलेक्टिव या सर्विसेज जो है ओपीडी की वो बंद हो गई क्राउड को कंट्रोल करने के लिए या हम मजबूरी के तहत, तो हमने एक टेली मेडिसिन का आगाज किया। हम तकरीबन 60 से 70 डॉक्टरों के नंबर्स हमने इशू किए मुख्तलिफ स्पेशलिटीज के, ताकि जो है वो फोन कॉल के जरिए मामूली नोयत की बीमारियों का वो इलाज कर सके, वो फोन पे घर बैठे जो है लोगों को अस्पताल आने की जहमत ना हो, अस्पताल आके वो अपने अपनी जान जो है मामूली नोयत की बीमारियों के लिए अस्पताल आके अपनी जान जो है वो रिस्क में ना डाले। तो ये हमने आगाज किया। उसके बाद जितनी भी डिफिशेंसीज थी वो हम सामने लाते गए, क्वारंटाइन के हवाले से जितनी डिफिशेंसीज थी, आइसोलेशन के हवाले से थी। तो आखिरकार वो दिन भी आया जो आपने देखा कि हमें रोडों पे घसीटा गया, हमें मारा गया, फिर हम गिरफ्तार हुए। इसी की वजह से कि प्रोटेक्शन दी जाए, इस बीमारी को कंट्रोल किया जाए, हम जो बता रहे हैं उन्हीं तरीकों पे अमल किया जाए। तो उसके बाद से फिर हम भी अभी भी तो उसी कंडीशन में हैं, कुछ हालात तो बेहतर हुए हैं, कुछ चीजें बहुत ही मतलब कम नोयत की जो हमने कहा था, जिस तरीके से डिमांड थी कि कितने जो पर्सनल प्रोटेक्शन है वो किस तरीके से हो, कितनी हो, वो उसी तरह नहीं हुई है। आपने खुद भी देखा, एक जिम्मेदार शख्स है, एक जिम्मेदार एहलकार है गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के तर्जुमान, उन्होंने ये कहा कि ये जो किट्स होती है ये यहाँ पे जरूरत होती है, वहां पे नहीं होती है। बहुत ही अफसोस की बात ये है कि एक नॉन टेक्निकल बंदा जब टेक्निकल बातें करना शुरू करता है तो हालात तब से खराब होना शुरू होते हैं। हालात तब से खराब होना शुरू हुए जब हमने ये जो जिम्मेदारी थी, ये जो हेल्थ से रिलेटेड जो इमरजेंसी थी, ये हमने नॉन टेक्निकल लोगों के हवाले की, हमने ये जो है पीडीएमए के हवाले की। ये पीडीएमए से मुंसलिक इशू बिल्कुल नहीं था, ये कोई जलजला नहीं था, हमने बारहा कहा, ये कोई जो है बर्फबारी नहीं थी। तो पीडीएमए को देना ये भी एक बहुत बड़ी, यहाँ से ही सारे की सारी गलतियां स्टार्ट हुई। फिर उसके बाद जो है हेल्थ से एक्सपर्ट के अलावा यहाँ पे जो है तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान, वो आके कहते हैं ये किट कहाँ जरूरत है, कहाँ जरूरत नहीं है, खुदा रहा आप अपना काम करें, डॉक्टरों को अपना काम करने दें, हमने ये सारी चीजें। अच्छा डॉक्टर साहब, आप हमें ये बताएं कि ये जो तमाम जो बातें आपने की इस दौरान, एक तो बड़ा अरसा भी गुजर गया और सिचुएशन भी हम सुन रहे हैं कि रोज बरोज मतलब उसमें बेहतरी के इम्कान कम है, खुदा करे कि बेहतरी के इम्कान हो। तो इस तमाम अरसे में ये जो प्रैक्टिस हुई, जाहिर एक नया मसला था, एक नई वबा थी, तो इस वक्त जो नई जो करंट सिचुएशन है, इस वक्त आप क्या समझ रहे हैं कि हुकूमत डॉक्टर्स के हवाले से वाकईतन कोई उसकी सोच में, गवर्नेंस में कोई तब्दीली आई है? जी जी बिल्कुल, तब्दीली एज सच तो हमने महसूस नहीं की। हमने एक दो तीन चीजें बड़ी मोटी मोटी चीजें आगे रखी। हमने कहा सबसे पहली बात यह है कि आप ये प्रैक्टिस, गवर्नमेंट से हमने ये कहा कि आप ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कि आप जो है एक अस्पताल से डॉक्टरों को निकाल के दूसरे अस्पताल में भर रहे हैं, उस अस्पताल को डिफिशेंट कर देते हैं, ये तरीका नहीं होता। आपने ह्यूमन रिसोर्स बढ़ाने होंगे, आपने लोगों को बढ़ाना होगा। जब आपके पास ऑलरेडी क्वालिफाइड डॉक्टर्स बैठे हुए हैं सूबे में, तो आप उनको हायर क्यों नहीं कर देते? आप उनको हायर करें ताकि आपके पास डॉक्टर की डिफिशियंसी खत्म हो जाए, बजाय इसके कि एक वार्ड से निकाल के दूसरे वार्ड में इनको तैनात किया जाए, उससे अस्पताल से निकाल के दूसरे अस्पताल में तैनात किया जाए। ये हमने बात की। हम उनको जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको ये समझा सके और उन्होंने इस चीज पे जो है एग्रीमेंट भी की है, वो उन्होंने जो है अभी अनाउंस भी कर रहे हैं। हम कहते हैं कि जल्द से जल्द नए डॉक्टर लग जाए। दूसरी बात, हमने इनको बहुत साफ सिखाई, हमने कहा आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इस सूरत हाल में जितने भी हालात है उनको इन्होंने ही कंट्रोल करना है, तो आपने उनको बचाना है, आपने उनको इन्फेक्ट नहीं होने देना। और दूसरी बात है, अगर आपका कोई हेल्थ केयर प्रोवाइडर, कोई भी डॉक्टर इन्फेक्ट हो जाता है, तो रोजाना वो जितने पेशेंट्स के करीब आता है, जितने लोगों को हैंडल करता है अस्पताल में, वो सारे रिस्क पे होते हैं। तो इस वजह से भी आपने उनको बचाना होगा। वो तो उनको बचाने का तरीका क्या है? बचाने का तरीका ये है कि आपने उनको पर्सनल प्रोटेक्शन देनी है। पर्सनल प्रोटेक्शन जब आप देंगे तभी वो बचे रहेंगे। तो हम उनको ये भी समझाने में कामयाब हो सके हैं
कि ये हमारे लिए जरूरी है, और ये चूंकि अब वायरस जो है वो स्टेज थ्री में है, लोकली स्प्रेड हो रहा है, जिसको हम कहते हैं मुकामी तौर पर उसकी मुंतकली शुरू हो गई है, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये जो है आइसोलेशन वार्ड में ही सिर्फ लगेगा या क्वारंटीन में ही लगेगा। ये आपको अभी कहीं किसी गली, किसी रोड या किसी भी आम मरीज से कहीं भी लग सकता है। तो अब इसकी के बाद हमने उनको ये समझाया कि ये किट्स अभी जरूरी है, आप जनरल पेशेंट को हैंडल करेंगे वो भी सस्पेक्टेड है, आप क्वारंटीन में होंगे वो भी सस्पेक्टेड है, और दूसरी बड़ी बात वो ये है सर, चूंकि ये गुज़श्ता दिनों ये जो आप लोगों का जो है स्ट्राइक हुआ, फिर गिरफ्तारी हुई और ऊपर इंटरनेशनल न्यूज़ बन गई, और इस वक्त दुनिया में जो है मसीहा का किरदार या फ्रंट लाइन पे जो लड़ रहे हैं इस वबा से वो सारे डॉक्टर्स हैं, और पूरी दुनिया में आवाम और गवर्नमेंट और तमाम जो भी ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबे हैं वो उनको सराह रहे हैं। तो क्या आप बहैसियत डॉक्टर इस सोसाइटी में इस वक्त जो आपका रोल है वो आप क्या देख रहे हैं कि सोसाइटी, सोसाइटी के मुख्तलिफ लोग आपको वो जो इज्जत की निगाह जो दीगर दुनिया में मिल रही है वो आपको भी मिल रही है, डॉक्टर आपसे मुराद हैं? जी बिल्कुल, हम जब इस प्रोफेशन को हम चूज करते हैं तो तभी से हम इन सारी हालात के लिए सारी चीजें जहन में होती है, हम एक ओथ लेते हैं जिसको क्रिटिक ओथ कहते हैं, वो लेते हैं, ऐसा हम ये तैयार कर लेते हैं कि हमने हर किस्म के हालात में हमने सर्व करना है, हमने अपनी खिदमत देनी है। बिल्कुल इसी तरीके से हमें अभी भी अपने प्रोफेशन पे फख्र है, हम सर्व करते रहेंगे, मगर कुछ चीजें जो लोग जो जिन लोगों की जो जिम्मेदारियां होती है अगर वो ना समझ सके तो उनको रियलाइज कराना जरूरी होता है। अब डॉक्टर का काम नहीं है कि वो अस्पतालों में चीजें प्रोवाइड कर सके, ये हमारे उसमें नहीं आता, ना ही हमारे इसमें आता, तो ये गवर्नमेंट की तरफ से जो चीजें होती है हम कहते हैं वो भी अपनी जिम्मेदारी निभाए। हम तो कर रहे हैं ड्यूटियां, जो इमरजेंसी सिचुएशंस है वो हम करते हैं, हमें यहाँ पे सर्जरीज है, इमरजेंसी केसेस है, जो इलेक्टिव केसेस है हमें दिन में हमारे यहाँ डॉक्टर को दिन में 15 से 20 कॉल्स आते हैं जो है जितने हमने नंबर्स दिए हुए हैं। अच्छा डॉक्टर, दूसरी जानिब आते हैं कि आप लोगों ने कर्फ्यू का डिमांड किया है, ये मतलब एक एक्सट्रीम स्टेप है, और ये मतलब क्यों किया गया और इसका जो है पस मंजर वो क्या है? जी जी बिल्कुल, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया, मैं चाह रहा था कि आप मुझसे पूछे ताकि मैं थोड़ा सा इसको वाजे कर दूं, ये चीजें कुछ कल वाजे नहीं मैसेज वाजे नहीं किया। तो हमने ये कहा कि मुकम्मल जो है कारामद लॉकडाउन जो अभी चल रहा है, आप भी देख रहे हैं शहर में, हम भी देख रहे हैं शहर में, ये कारामद लॉकडाउन नहीं है, पूरे के पूरे बाजार भरे हुए हैं, ट्रैफिक जैम है, रोडों पे ट्रैफिक निकली हुई है, इस तरीके से हमने कहा अगर ये लॉकडाउन है तो ये लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, लॉकडाउन मजीद सख्त हो, कंप्लीट लॉकडाउन हो। अगर गवर्नमेंट कंप्लीट लॉकडाउन इंप्लीमेंट ना कर सके कर्फ्यू के बगैर तो बेशक कर्फ्यू लगा दे, हमारे कहने का मकसद ये था। मैं फिर से दोबारा दोहरा रहा हूँ, हमारा डिमांड क्या था कि एक कारामद या एक फंक्शनल लॉकडाउन जो कि नजर आए कि लॉकडाउन हो, क्राउड कंट्रोल हो, एक वाजे तरीके से हो, इस तरीके से ना हो सिर्फ बराए नाम हो, अगर उसको इंप्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो मजबूर हो जाए तो बेशक कर्फ्यू नाफिज कर ले, मगर क्राउड को कंट्रोल कर ले, उसको जो है लोगों को। डॉक्टर साहब इधर अगर हम देखें अभी जो जैसे स्मार्ट लॉकडाउन की बात हो रही है, ये जो लॉकडाउन है तो बुनियादी तौर पर हुकूमत का काम है, गवर्नमेंट्स का काम है, तो डॉक्टर्स को ऐसी क्या प्रेशर आन पड़ी या ऐसे क्या हुआ है कि वो इस एक्सट्रीम पर गए और उन्होंने कितना बड़ा मुतालबा किया? ये बिल्कुल जी, ये गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट नहीं करना है, मगर बतौर टेक्निकल लोगों के हम चूंकि इस जो हेल्थ इमरजेंसी है इसमें हमारा जो इनपुट है वो बड़ा टेक्निकल होता है, हमारी जो चीजें होती है वो थोड़ी सी जो है उस पर अगर अमल किया जाए तो हम समझते हैं वो बातें थोड़ी सी फायदेमंद होंगी। इसी वजह से हमने ये महसूस किया जब से यहाँ पे हम केसेस को रोजाना के बेसिस पे देखते रहे, बाकी तो आप छोड़े, जब से नरमी यहाँ पे हुई है लॉकडाउन में हमारे दिन में 4 से 3 डॉक्टर्स पॉजिटिव आना शुरू हुए, तो इसके साथ आप अंदाजा लगा लें कि जब डॉक्टर पॉजिटिव आ रहे हैं प्रिवेंटिव मेजर्स लेने के बावजूद, मतलब उनको पता भी है, वो इस चीज के साथ अवेयर भी है कि कैसे करना है, इन चीजों को उसके बावजूद केसेस डॉक्टर के बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये बाकी आवाम में बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है। उसके साथ साथ जब हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे हमारे पास किट्स की अवेलेबिलिटी नहीं है,
टेस्ट वगैरह वहाँ पे कोई प्रॉपर सिचुएशन नहीं है, 300 से 250 टेस्ट यहाँ पे फातमा में होते हैं रोजाना। तो हमने जब ये सारी चीजें देखी, हमने कहा कि हम इनको कंट्रोल करने के लिए हम ये सजेशन रखते हैं कि लॉकडाउन वो बेहतर से बेहतर हो। ये हमने सिर्फ वाईडी बलूचिस्तान ने नहीं, हमने पाकिस्तान लेवल पे वाईडी के हमारे यंग डॉक्टर्स जितने भी चैप्टर्स हैं उन्होंने एक जो है मुकम्मल जो है एक कलेक्टिव मौकफ गवर्नमेंट को दिया, एक कलेक्टिव सजेशन दी कि आप कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ जाए, प्रॉपर लॉकडाउन की तरफ जाए। साहब आपका बहुत कुर्बानी जो आपने हमें वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। मजूर साहब बात डिटेल है गप कुर्त डिटेल है सर गप कुर्त नू यार का नू ये मुतालिबा कन कि अगर लॉकडाउन न बीतिन और आई था गैप बैन थे तो जाहिर शाही था केसेस बाज बढ़न थे ना, और तो हम गप जी लॉकडाउन तो मकसद हो मैं लेकिन आ मकसद तो फौत बैन बल्कि पेशा अर्ची के प्रोग्राम बुता मैं अब बिल्कुल गप कुर्त नू तो बल्कि मरूचे खास कर या जीतो गप रमजान शरीफ रोड ब्लॉकत ट्रैफिक के वजह बाजार अंतर रश कशिन बिल्कुल सीएम ने इनते बिल्कुल सरकार द्वारा जार जता के दफा 144 सके अगर कसम मास्क न बूते अगर चलो मास्क महंगा है तो ती में चादर रुमाल यस आराम होती तो दफा चेर भी दे हमारा बंद दे देखे आप भी थी लेकिन आम का नगा था ना इनते ना डोमिनेशन फर्स का ये सख्ती है सर अभी ना तो आ मर्दुम क्या आ रहा फर्स का मेडिकल आ रहा वगी है या सामान वास्ता आ रहा होते अगर सख्ती भी तो ये तो हम खास कर देते हैं पहलम खत्म भी जी बच्चे कह रहा मालूम है कि भाई सख्ती भी या कानूनन कैसे बिल्कुल ईशान चालान कनक भी या ईशान जुर्माना कनक भी बच्चे के अम्मे मर्दुम कैसे अगर तो इशारा जाना एक तो ये तो ठीक है अमल नहीं दूनी कुजान टाइम तो जुर्माना करे गुड़ा हुई बात परेशान बा मंजूर साहब ऐसा कि ये बारा होते ना जी आओ गुड़ा मखलूब पर मैंने कहा चो जी गप्पे परे रंग गप्पे कारखाने ते एक लाते मजदूर हम बंद है या कारखाने ते कार इसको तो जाहिर फर्नीचर वगैरह कारखाना होता है ना तो आशा डरना वा बंद होता तो पुलिस आता हमारे दोस्त है मर्दुम जुर्ता के साथ तो शावान में कि पुलिस है इंचार्ज भी तो 25,000 रुपये शावान है गिता के पदावा निश्ता के तो आवाने चलो कम में ना 500,000 जुर्माना भी करे ग्रीन चाले नजरिया सरकार कहते हैं तो जमा करे ये 25,000 से मिस्की ना गिरा नहीं तो मंत्र जेल दी नहीं ना यकीन थे ना पेशे के जमाना ताऊनत का वो जी बिल्कुल बिल्कुल तो मखलूक ईशान बात चीज सरपंच बूता सिक्के एल कर जी हो ये बात मतलब एक नोके वबाएं कि बॉर्डरलेस है ना बॉर्डर आजानी ना किदा आजानी ना नजरिया आजानी ना मी आजानी ना गरीबा ना चुका ना ये सूरत आलम अगे अम्मे मर्दुमा इंसान न कनगाए मन तो ये समझी के करोना या कंचो बलाएं के आई रंदा इंसानियत थे एक नोके सोच वदी मनी जाती और बूट कांक यूरोप आउदा भी इदा परचे अम्मा बलाएं अजाब तो कहें अम्मा बजाय ऐसे के अम्मा दिल तो का तुरस कहते अम्मा दिल नरम भी अम्मा ज्यादा करप्ट हुआ गए ज्यादा का ये अजीब है अखा तो अमीर शिन्ना नहीं ये मंत्र यक के मन तो सर पर ना दोनी दोनी मंत्र मैं दूसरे के मैं सर प्रोग्राम बोलता था कि किराया आने सर के प्राइवेट गाड़ी अंते किस तरह के एक गाड़ी भी एक शारे दोमी शारा अच्छे शोतिन कि तो आरा शख्सी बरे गाड़ी है कि ती दो सौ मर्दों मन ता अच्छे वंते गाड़ी अंतो बरे 5,000 किराया बूता नून हमारा किराया शा पंचा 5,000 रुपये बोली था कि आलान के रोड नून साफ अन क्लियर अंतो पंचा 5,000 बिल्कुल आ बिल्कुल आ नहीं बिल्कुल आ मैं जिंदे दे में गप्पे कि ये चूंकि टूटी गाड़ी अंतिया रेंट कार वगैरह के सरा शेयर स्टेशन भी दूमी उष्टगन पंच गितनु 5,000 गिरंती ये तो कारोबार है वो या 5,000 गिरंतिया आई कसूरिच नहीं थे लॉकडाउन में वजह की पर रात तकरीबन चिंका चेक पोस्ट अस्तन थे एफसीए जिता मर्दुम निष्टगन पुलिस से जिता निष्टगन शहर एरिया था लेबी से जिता निष्टगन थे तो हर एक के अमा उती मैं प्रोड्यूसर कैसे वत शुता ये बड़े शॉर्ट टर्म जोड़ कुछ जी आओ देख लिया मैं जान तो इदा मना ये बगो कि अम्मा लोग आनिंदा या अम्मा इबादत वास्ता रवा या अम्मा स्कूल आ रवा या अंचो मजे से डिस्कशन करा अम्मा ईमानदारी खबर करना अम्मा गुशा के भाई दिगर अक्खा कैसे शुआ विदे और दिगर अक्खा कैसे कस हस मका जी तो ये अम्मा गप कुजा रहा होगा ये गप ईमानदारी जवानी अखलाक
कुजाए ये ऐसे ना कैमरे में कि गप हंसते ये खाली दिखावा है चाहे मैं माशरे मर्दम बहन तक सरकार है भी तेरे ये मुकम्मल दावा है बिल्कुल ये खतरा कि ये टाइम है ता अर यक का उती जाती लाभ है पुरखना गए उती पैसे है जमा करना गए अरे सोच चिंते लेकिन मैं मन था मैं दो में साल दा के एक मजदूर का या तो गिरा रहा पैसा गिरा है द्वारा की एक ट्रांसपोर्ट चली थी एक गाड़ी चली था अरे सही नहीं जाते गए लेकिन मनी सवाल जिगरे बेचारे इन कंचो खतरनाक वबाएं खुदा न खास्ता खुदा मक्का अगर ये बूटा तो बूट का इशारा निशार खाली सफाई अस्ती भी ठीक थी फर्ज का अगर ये बलाय मसला भी कोई पैसा तो ची कने अगर मर्दुम ने तो बंगला ची कने ठीक है ना तरह अगर मजा ने गाड़ी हस्ते बुलेट प्रूफ गाड़ी हस्ते अगर मर्दुम ने बोले तो ची कने जर्रा इस जर तो सोसाइटी तो का बाना फर्ज का मर्दुम ने मर्दुम ने कहा कि अख्तर हुसैन लांगो साहब ने किया एमपीएम इन और छे अपोजिशन लीडर अपोजिशन है था मस्तिन पब्लिक काउंट्स कमेटी था मैं एक मजन खेल दे बल्कि चेयरमैन थे तो गो मामदारी करने कहते अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम वजतरा वशाद गुशा मरोचे मरागज का पेशेंट था तो सर अच्छे गिंदा गए था ये लॉकडाउन और सरकार है खिरदा और मखलूक अच्छे गिंदा गए था और कोरोना वायरस है कि हमें के केसेस पॉजिटिव आए गए था तो एज एक पॉलिटिकल वर्कर हैसियत से तेज से छूं गिंदा गए था या कवामी नुमाइंदे हवाले से तो छूं गिंदा गए था समुचा सर इसमें मिलना तो आना सही है कि बहुत समझती प्रोग्राम हम शिरकत करने के मौका देते जी वजह ऐसे माँ माँ ये मामला था ऐसे पॉलिटिकल वर्कर एक सियासी कारकुन है माँ वाली चीज़ हम शावली रोचा गिंदा गया था कि कोरोना पाकिस्तान नया आता गया था मैं बेटा नया आता गया तुम्हारी याद भी असेंबली है था हमारे रिक्वजिशन है इजलास है और इसी तरह माँ तहरीक इल्तवा है और इसी तरह माँ बहस को चन्ने आरोच सरकार और या गवर्नमेंट है मशीनरी या इसी वजीर गजी नए आरोच है इसी तरह संजीदा था नए मर्ची गवर्नमेंट से इसी तरह संजीदा है तो नए आवाम इस तरह संजीदगी है जरूर गए हमेशा मर्ची रोज पर रोज अश्मा गिंदा गया इसके खेतानी सादात बरसताने तब आता गया और नू कैसे लोकल स्प्रेड कैसे शुरू बूता नू आम मखलूक है था नू सारी तो हमारा जाहिरी ना नहीं चाहिए तरका से कि शायद अन्ना सफारी करते थे या ट्रेवल हिस्ट्री है तथे मर्द में क्षमा हुआ थे आत को लेकिन नू लोकल स्प्रेड इसी बात तक तेजी अब आता गया सूक्ष्मा दीज के डॉक्टर में ऐसा था डॉक्टर ना हर चीज एक तकरीबन 23-24 डॉक्टर रहे थे मैं कोरोना पॉजिटिव बूता ये दुरे ना ना लोकल स्प्रेड ऐसा लगी था ऐसा यक के आधा जाहिरी जाने को मैं ड्यूटी ना करते गए या क्वारंटाइन सेंटर है यक के ड्यूटी ना बूता होती आम क्लिनिक को अस्पताल और समय मरीज ना होती वार्ड आना शिक्षण लगी था अभी वजह मैं इस मनी को दस पंद्रह इंच आवाम खासकर किशर संजीदा बुजुर्ग हम सोशल डिस्टेंसिंग के से आए रहती चेप करन और कोशिश पे करन के हम हर चीज प्रोटोकॉल्स के अच्छा अख्तर से साहब आई कुछ मां अपोजिशन पार्टी अस्ते शुमा और शुमा एक पार्टी या बिलोंग करने तो शुमा अहम जिम्मेदारी है कि हर चीज के दा बुआ गए खासकर बलूचिस्तान नेगलेक्ट बुआ गए या जायरी ने सूरत है जा मर्दू मारक बूता तो हुकूमत तो ने या जो को शुमा गुशे के सिलेक्टेड गवर्नमेंट है तो अपोजिशन किरदार हमने और अपोजिशन वती किरदार हम छे न कना गए इलेक्शन के दौरान तो हम चारा के एमपी वास्ता मर्दुम एमएनए वास्ता काया लोग लोग रवा ये ई टाइम आप पर्चे जाहिर न बुए गए कि बलाए आफत इंसानियत मसला है बेचारे एक चीज है मंच में जहन है माम पिका नहीं संगठन ही अक्सर मखलूक है जहन है गलत फहमी या चीज है ऐसे कि अपोजिशन शायद बाज बलाए रोल ही मंच में एक चीज है बुक्सिंग के पार्लिमानी सिस्टम है था अम्मा अपोजिशन है रोल तने होते हैं कि अम्मा अम्मा खराब है चीज कहते हैं आवानी निशानदही पे कहना और शर्री कारण मशवरा पे दिया अम्मा इनिशिएटिव जो तहरीक इल्तवा और असेंबली था बैसबू पदाशाही पद अम्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस को पदाशाही पद अम्मा प्रेस ब्रीफिंग है था प्रेस ब्रीफिंग है था स्लाइड था नहीं सारा अम्मा तुरंत डिटेल था तो गवर्नमेंट के नालाय की हुकूमत है कि गप सुरा गया तैयार ने एक चीज समझा गया तैयार ने एक चीज अमल दरामद करना गया तैयार ने वही द्वांसा द्वांसा घंटे यानी मीटिंग में विदाउट एनी रिजल्ट खत्म में मर्ची या तक कैसे डॉक्टर जानी वास्ता प्रोटेक्टिव किट के सामापी किट के आ इशान लोटाइंस न कर सके
मर्चिया तक 4 अरब रुपए 4.2 अरब रुपए कैसे हेल्थ डिपार्टमेंट रिलीज बुद्ध मर्चिया तक हेल्थ डिपार्टमेंट एक डब्बा पैनाडोले नजर से शुमार की चीजा ने चाहे अपोजिशन के पेखा अपोजिशन कारकर्दगी हमेशा के मा चीजा ने निशानदही करे गए अब चीजा हाईलाइट पे कहना शुमार गवर्नमेंट चुस्त पे कहा कि तरह 4.2 अरब रुपए हेल्थ व्यवस्था फाइनेंस डिपार्टमेंट मर्ची है तकरीबन एकुने मा सारी है एकुने दो मा सारी है रिलीज करते गया आज तो कुछ यूटिलाइज करते गया आया तो टेस्टिंग किट लौटाइन तक आया तो इस्तेमाल के मशीन है टेस्ट करने के आज स्पेशल एक मशीन PCR आ लौटाइन बूता एक मशीन को मा टेस्ट करने के फातिमा जी ना आई कैपेसिटी रो से दो सब दोनों साथ रहे और आई भी कहते शुमा वैसे तो अपोजिशन के अस्ते अर्ची के मामला अस्ते हाईलाइट का न गए एदा मन मिसाल देन अब्दुल बाकी बलोच का टाइम वन यूनिट बूता वेस्ट पाकिस्तानी यक बलुचिस्तान नुमाइंदा बूता आई अंचो कार कुर्ता है आई तैयारी बूता के दुरा मतलब वेस्ट पाकिस्तान असम्बली आ रहा मिन्नत को कि भाई तो असम्बली अकाए चुप बहे मुअसर आवाज पर चे इनकदर ने कि हुकूमत मजबूर भी और आलत कहते मतलब ये इंसानियत मसला है ये टाइम सियासत है आवाज असम्बली संजीदगी जूरक बूता असम्बली ऐसा निंदो के मर्दुम बामारे मर्दुम बूतगा असम्बली ऐसा निंदो के मर्दुम जिम्मेदार मर्दुम बूतगा कि अग्नि मगे आवाज आता तो दुरे ने ऐसा सोचते हैं कि गप आएंगे तो पर्चे आएंगे इधर मुसीबत ऐसे कि इधर मर्दुम इंतहाई बेहिस इंतहाई कैसे नालाई के मर्दुम इधर असम्बली शुमा असम्बली कार्रवाई शुमा दर पे करें मानी खर्ची इनका इनका के मामला इनका इश्यूज ए असम्बली जूरक बूतगा और इनका से पॉजिटिव है और इनसे एक्टिव है रोल है अपोजिशन है कि ए असम्बली बूथ है शुरु सारी बलुचिस्तान हिस्ट्री है तरह अपोजिशन रोल नाराजी इंतहाई पॉजिटिव और एक्टिव रोल लेकिन मसला ऐशन के अम्मा अपोजिशन है कहा के सजेशन दे चीज हाईलाइट कहना है इम्प्लीमेंटेशन इख्तियार को अपोजिशन ने इस चीज चुनौती देने तक क्लियर पे कहना कि इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट और कैबिनेट करते हर बिल्कुल तैयार नहीं या एक दीवार जोड़ बूता न उसको न गए ना के सोसाइटी तो का तब्दीली अमल कुजाए चिकाया बच्चे के या तो शुमाई हमें बूता के पार्लियामेंट एक जरिए के मखलूक का तब्दीली कह रहा अगर शुमाई वत गुशा देश के हुकूमत तिच परवाह न दा रहा गए और बास खौफनाक की सूरत है आले और गुशत बुआ गया है उसके दो हफ्ता बास खतरनाक बुढ़ा ये मखलूक ईशान जिंदगी बच्चे न के वास्ता छह सूरत इख्तियार कनक भी छह वर्ड भी ताकि मखलूक आने जिंदगी जान न वा माँ अवली रोच के समुचा सारी शो थी अनु भी को टाइम अनु भी लेट नबूत अनु भी हमें सारा जो पेशेंट है प्रेशर आ वाला एकदम नया आता अनु भी होती क्वारंटाइन सेंटर है सर पे खाना ईशानी के वेंटिलेटर हमारे ब्रीफिंग है सब के साथ फिजिकली तो बोलो शश वेंटिलेटर बुरा बलुचिस्तान ने आखिर देखा चिल्लो पंच वेंटिलेटर हिसाब देगा आज डिस्पोजेबल वेंटिलेटर एक जमाने के मर्ची है पंच साल सारी ये लौटाने के बूथ है सन MST है आमोद डेम्पन कब तक और आग इस्तेमाल बंद तुम आई लाइफ द्वांसद घंटे एक मरीज यार एक गश्ता लगी और द्वांसद घंटे पर तो मजबूर है डिस्पोज ऑफ करें देखे वेंटिलेटर इस्तेमाल करें आज सिर्फ इमरजेंसी बेसिस है इशा लौटाएं तो आ वेंटिलेटर मर्ची भी गवर्नमेंट बाय देशा संजीदा बजूरी और गवर्नमेंट होती तैयारी है फिर मर्ची की गुंतो तो क्यों पंचलेम से 600 पेशेंट पॉजिटिव वो तो हॉस्पिटल जाने के आसपास बात लगे हमें पंचल जा रहा है पूरा तो गुजार पड़ेगी तो अलीम जान तो वक्त उस कदर के अपोजिशन हम मतलब बेबस है बेबस एक तो इसे के हकीकत इसे के जाहिर न बुआ गए और आवर क्या है खिर्द भी आवर ने अगर ईशानी फर्ज का DC मसला भी वती इलाके मसला भी
या टीके भी परमानेंट भी अंचो शोर कंते शराबा कंते उचे कंते लेकिन दा इंसानानी मसले हैं दा सियासत अबर ने ये टाइम आ कहते इंसानियत ते बचाएना कि गब्बू अगाए बिल्कुल इंसान दुरानी जिम्मेदारी है लेकिन ये वजह नहीं कहते शुमा जिम्मेदारी ज्यादा है कि शुमा वतारा इलेक्टेड गुश है शुमा वतारा कहते मखलूक के बलोच कौमी नुमाइंदा गुश है तो जाहिर है शुमा जिम्मेदारी ज्यादा है मतलब अम आ मर्दों मालूम है ना शीशी लावा चलो ये तो छे वार अवंत ना उन दो महीने में गए के वक्त पास हमने खाला हमें खत्म भाई गए थे दो महीने में गए के आलमी दुनिया WHO तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ना आई किरदम बे टोटल 205 मुल्क है ताकि हमें वायरस पहले था आया गया है शाही नेमा का मेरे ख्याल चौम खास इन किरदे और खास इन रोले में था हम चाहिए आया गया नहीं था आज तो गुड़ा दिगे टॉपिक भी आलमी पॉलिटिक्स जी है बिल्कुल दिगे पॉलिटिक्स से आया तो समय में हमें दम निकला चाहिए खत्म भाई गया था तो मरुचे ना जाहिर था माँ की अर्चिंग का गप कुर्ता न मैं यंग डॉक्टर मतर गुम्मा और माँ के पेशेंट अतः तन कोरोना वायरस है के पॉजिटिव अतः नाम गुम्मा था तन साफी अनम गुम्मा गप को मर्ची और के पोजीशन है कि हम मर्दों मतन तख्तर उसे लांगा होता है यम गुम्मा गप कुर्ते गप्पा मुच्चा शुमा इश्रा याल कुर्ते थे गप पीछता ये शिंक अगर शक कोरोना वायरस है बच्चे का खातरा वाय दिन अल्लेशिन कि अरका सी होती ब्रे रमजान है मुबारक है माँ ऐता होती गिसाब निंदी अमूद होती जिक्र इबादत तब कन बाजार रश कश्मा कम निकाला कि ये कोरोना वायरस समय रमजान था खत्म हो बीते ताओ के वक्त मना अलिया मदरेकी और मनी संगत मंजूर बलोचा और अमे कैमरा टीम और खासकर अमे प्रोड्यूसर जवान बलोचा इजाजत दे अल्लाह हाफिज़।